आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर, जहां राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवादित पोस्टर लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इन विवादित पोस्टरों में लिखा है मोदी हटाओ देश बचाओ, जिस पर राजनीति अब लगातार तेज होती जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अब कमर भी कस ली है और इस विवादित पोस्टर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी जारी है, जिसके साथ ही कई पोस्टर जब्त किए गए और इस मामले में पुलिस एकदम अलर्ट मोड पर भी नजर आ रही है। इन विवादित पोस्टरों को दिल्ली में चिपकाने को लेकर आम आदमी पार्टी का नाम भी अब सामने आ रहा है। वही पुलिस ने पीएम मोदी के विवादित पोस्टर सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाने को लेकर विभिन्न स्थानों में डिफेंसमेंट एक्ट में FIR दर्ज की है। वही आम आदमी पोस्टर विवाद पर ट्वीट करके कह रही है कि इसमें गलत ही क्या है। ट्वीट में लिखा है मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है, इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 FIR कर दी है। आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों पहले राजधानी दिल्ली में कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम मोदी की विरोध में पोस्टर वार शुरू हो गया था। दिल्ली के कई इलाकों में जगह जगह इस संबंध में पोस्टर लगाए जाने की जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस अलर्ट हो गई और दिल्ली पुलिस ने करीब 2000 पोस्टर को सड़क किनारे दीवारों से उतरवाए भी थे। तो दिल्ली में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, जहां पर पीएम मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, दिल्ली में पोस्टर वॉर अब शुरू हो चुका है, क्या कुछ था ये पूरा मामला और अभी तक किन किन के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की गई है? नमस्कार, आपको बता रहे हैं कि पोस्टर वॉर लगातार देश की राजनीति में होता चला आ रहा है और फिर कुछ समय से लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हुए थे, तमाम तरह के पोस्टर वहाँ लगाए गए थे, गर्भ से कहो सूद रहे ये पोस्टर लगाए गए थे, तमाम तरह के पोस्टरबाजी चल रही थी। और आज जो पोस्टरबाजी का मामला है वो देश की राजधानी दिल्ली का, जहाँ पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो पोस्टर है वो आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए, क्योंकि जो पोस्टर वाली गाड़ी है वो पकड़ी गई है, 38 बंडल वहाँ प्राप्त हुए हैं, 1,00,000 पोस्टर लगाने का लक्ष्य रखा गया था और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर गाड़ी पकड़ी है, एक वैन पकड़ी है, उसके बाद से लगातार राजनीति जारी है। आम आदमी पार्टी कहना है कि जहाँ पर ये पोस्टर से दिक्कत क्या है, अगर किसी ने लगाया है पोस्टर तो अब बीजेपी को इतना दर्द क्यों हो रहा है, तकलीफ क्यों हो रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो भाई कांग्रेस ने इस बात को लेकर कहा है कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और पोस्टर लगाना गलत बात है, और उन्होंने कहा ये सूचना जनरेट पर जारी है, तो कहने की इस पर राजनीति मुस्कान हो रही है जी। लेकिन गौरव, अगर देखा जाए तो जब इस पूरे मामले की जानकारी जो सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बाहर एक गाड़ी निकलती है जिसमें तकरीबन 100 से 200 तक के पोस्टर्स पाए जाते हैं, वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर ये पोस्टर लगाए गए हैं तो इसमें गलत क्या है, तो क्या माना जाए कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी द्वारा ही लगवाए जा रहे थे? जी बिल्कुल, ऐसा है कि अगर इसमें स्पष्ट संदिग्ध नहीं है, अभी तमाम छानबीन जा रही है, जांच हो रही है, लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तमाम लोग FIR की गई है, 100 से ज़्यादा लोग FIR मुस्कान यहाँ पर की गई है, मामला खुलेगा और छानबीन पर स्पष्ट हो पाएगा। पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर पास से अगर बैन बरामद हो रही है, पोस्टर बरामद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर संशय उठता है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले इस मामले पर ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, कौन डर गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुई सक्की सुई हमारी पार्टी तरफ जाती है। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि हमारी पार्टी ने ये पोस्टर लगाया है, पर तमाम तरह की जानकारी यही मिल रही है कि हमारी पार्टी की इस पोस्टर लगाने के मामले में संलिप्तता है। आने वाले समय में छानबीन स्पष्ट हो पाएगा आखिर पोस्टर लगाया किसने, पर फिलहाल ये मामला राजनीतिक केंद्र लगातार मुस्कर बनता जा रहा है। गौरव, प्रिंटिंग प्रेस एंड डिफेंसमेंट एक्ट के तहत लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो साफ तौर पर कह रही है कि हमारे जो कार्यकर्ता है या यूं कहे कि हमारे द्वारा ये पोस्टर नहीं लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये एक्ट क्या है जिस पर भी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जो पार्टियां वो आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं।
देखिए एक्ट की अगर बात करें तो अगर कोई पोस्टर लगाया जाता है तो उसके नीचे प्रिंटेड प्रेस की बात होती है, मुद्रण की बात होती है, तो यहाँ पर ना प्रिंटेड प्रेस का नाम है ना प्रिंटेड प्रेस जगह का नाम है, कितनी संख्या में छापेगा इसकी जिक्र नहीं है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है मुस्कान, वो कहीं ना कहीं अहम है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में जहाँ पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बैठता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं, तमाम लोग वहाँ पर बैठते हैं, शीर्ष नेतृत्व वहाँ बैठता है, वहाँ पर संसद है और राज्यसभा वहाँ पर है, तमाम तरह के बड़े बड़े वहाँ पर कार्यालय हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात यह होती है कि लोकतंत्र की गरिमा के तहत वहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम से इस तरह मोदी हटाओ देश बचाओ के यहाँ पर बातें की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को छवि को यहाँ पर नुकसान देखने को। लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली में मेयर भी आम आदमी पार्टी के हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को आखिर डर किस बात का है, वो क्यों डर रही है, वो आखिर क्यों पोस्टर ऐसे लगवा रही है अगर वाकई ये बात सच है तो? देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अगर पोस्टर लगवाया तो कुछ सामने आना चाहिए, और अभी इस पर तमाम चर्चा भी हुई है, और बीजेपी के जो प्रवक्ता है बीजेपी के नेता का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने अगर पोस्टर लगवाए हैं तो खुलकर सामने खुलकर मैदान में आए, इसे लुका छिपी का खेल यहाँ क्यों खोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात मेयर की नहीं है, बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर 15 साल के बाद MCD में यहाँ पर मेयर बनाने जा रही है, सब बनाया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बेहतर ये है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर खुलकर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस तरह से राजनीति हो रही है, कहने के आम आदमी पार्टी को जी इंगित किया जा रहा है कि हमारी पार्टी 2024 से पहले जिस तरीके से ये पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि ये बीजेपी की छवि को धूमिल करने की कोशिश दिल्ली में की जा रही है? बिल्कुल यहाँ पर मुस्कान बीजेपी छवि को धूमिल करने प्रयास किया जाए, 24 का चुनाव है हमें, और यहाँ पर जहाँ पर इस तरह पे बीजेपी बोल रही है कि हम यहाँ पे हैट्रिक मारने वाले हैं, तो भाई विपक्ष यहाँ पर अपनी एकजुटता को दिखाने का प्रयास कर रहा है, और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को गठघरे में घिरने प्रयास करती है, चाहे अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट बात करें या कोई भी मुद्दा होता है हमेशा यहाँ पर बात करती है, चाहे राम मंदिर निर्माण को बात करें, उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह समय समय पर तपरीज में भी तमाम तरह की बातों को, इन मामलों को उठाते रहते हैं, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी लगातार संघर्ष जारी है, फिलहाल यही देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी छवि को धूमिल करने का प्रयास जा रहा है, 24 चुनाव को देखते इस तरह की बात कही जा रही है। बिल्कुल धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की, और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कुंती अंतर कथा पुस्तक का विमोचन किया है, ये पुस्तक प्रमोद त्यागी ने लिखी है, और प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ स्टेज पर सारस पक्षी के दोस्त आरिफ भी दिखे, उन्होंने आरिफ से सारस को छीने जाने पर सवाल खड़े किए, वहीं उन्होंने कहा कि आखिर आरिफ से सारस क्यों छीना गया, वजह यह है क्योंकि मैं उससे मिलने चला गया था। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि क्या अधिकारियों में इतनी हिम्मत है कि जो मोर को दाना खिला रहे हैं उनसे मोर छीन लिया हो, इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर इन्वेस्टर्स समिट और तमाम मुद्दों पर जमकर हमला बोला है। हमारे आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया, ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए, और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी उसको, टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, सारस से मित्रता हुई, और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया, क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया, सारस इनसे छिना है इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैंने बधाई देने चला गया, क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं, मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी, और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है, सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे।
तो आपने सुना कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है और साफ तौर पर पूछा है कि आरिफ से सारस क्यों छीन लिया गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल किया है कि आखिर आरिफ से सारस क्यों छीना गया। इस सवाल के जरिए अखिलेश यादव किस तरीके से भाजपा पर तंज कसते हुए दिखाई दिए। जी, आपको बता दें, मुस्कान की सारस से दोस्ती को लेकर चर्चा में आए अमेठी के गौरीगंज विधानसभा के आरिफ, जहां इंटरनेट सेंसेशन बन गए कि सारस से, जो कि मनुष्य से दोस्ती नहीं करता है और उसका उल्टा वो मनुष्यों के साथ रहते हुए नजर आए, जिसके बाद आपको बताएं कि देश विदेश साथ ही साथ विश्व भर में उनके वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सारस से दोस्ती करने वाले व्यक्ति आरिफ से मिलने पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपको बताएं कि आज अखिलेश यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सारस से दोस्ती करने वालों से मैं मिलने जाता हूँ तो उसका सारस वन विभाग के लोगों को भेज कर जब्त करा दिया जाता है। वही अगर बात की जाए तो साथ ही साथ इशारों में वो कहते हुए नजर आए कि जो लोग मोर को दाने खिला रहे थे उनके मोर कब छीने जाएंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां सारस भी अब राजनीति का केंद्र बना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। बिल्कुल विभांशु, जैसे कि आपने बताया कि सारस अब राजनीति का केंद्र बन चुका है, अभी आपने बताया कि सारस राजनीति का केंद्र है, तो ऐसे में ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर आरिफ से सारस छीन क्यों लिया गया, वन विभाग आखिर सारस को ले क्यों गई। जी, आपको बता दें कि कल वन विभाग की टीम गौरीगंज आरिफ के घर पहुंची, वहां जाकर वन विभाग की टीम ने जो सारस था उसको कैप्चर करके अब वन विभाग के जो तमाम वन विभाग है उसमें रख दिया गया है। आपको बताया कि अभी अगर वन विभाग के कार्यालय अमेठी में है वहां पे सारस को रखा गया था, लेकिन आपको बताएं कि बीते महीनों पहले आरिफ अपने खेत में काम कर रहे थे जहाँ घायल अवस्था में उन्हें सारस मिला था। तो अभी प्राइम टीवी ने उनसे बातचीत भी की, खास एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे मुर्गियों के टांग को जोड़ा जाता है, हूबहू हम वैसे ही सारस के पैर को जोड़कर और रखे थे। उसके बाद वो कई बार सारस को विदा करना चाहे मगर सारस उनका पीछा नहीं छोड़ता था। वहीं उन्होंने कहा कि अब सारस को वन विभाग की टीम कई गाइडलाइन को देखते हुए ले गई है कि आप सारस को अपने घर में नहीं रख सकते। वहीं अगर बात की जाए तो वन विभाग की टीम जब सारस को ले जा रही थी तो आरिफ की तरफ से तमाम दलील दी गई और कहा गया कि जो भी जरूरत होती है या जो देखभाल में तमाम जो पॉइंट्स होते हैं, जो तमाम निर्देश होते हैं, उसको ध्यान में रखकर हम सारस को रखे हैं और मुझे आप पे विश्वास नहीं तो गांव वालों से पूछ लो कि मैं सारस को कैसे रखता हूँ। अच्छा विभांशु, प्रदेश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, महिलाओं की सुरक्षा और बीते दिनों पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या अब यूपी की राजनीति सारस के इर्द गिर्द ही घूमेगी सारे मुद्दों को छोड़कर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ था कि अखिलेश यादव इस बात को कहते हुए नजर आया कि मैं सारस को पालने वाले आरिफ से मिला, इसलिए उसके सारस को कैप्चर कर दिया गया है। और उन्होंने दलील दिया, इस बात का तर्क दिया कि कई लोग बिल्ली, बंदर और तमाम जानवर पालते हैं जिसमें आमतौर पर गाँव में लोग लाइसेंस नहीं लेते हैं, मगर आरिफ को अगर सारस पसंद था और उसकी दोस्ती पसंद थी और सारस भी उनकी दोस्ती को स्वीकार किया था तो आरिफ को सारस रखने देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिकरण के तहत सारस को आरिफ से छीना गया है। जी बिल्कुल, विभांशु मानते हैं कि जो सारस है वो राजकीय पक्षी है, ठीक है, लेकिन जब सड़कों पर आवारा कुत्ते घूमते हैं और जब कुत्ते लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं तो सरकार को वो नहीं दिखाई देता, उन्हें सारस और आरिफ की दोस्ती दिखाई दी तो वन विभाग को भेज करके सारस को ले लिया, लेकिन जो आवारा कुत्ते लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन पर क्या कुछ कर रही है सरकार, उन पर तो कुछ नहीं होता है। आज भी आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं, आज भी लगातार हम वीडियो देखते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो आपने देखा था कि एक अभिषेक त्रिपाठी नाम के पिटबुल, अभिषेक त्रिपाठी नाम के व्यक्ति का पिटबुल कुत्ता, जो कुत्ते का स्वामी था, उसकी हत्या कर दिया था। जिसके बाद आपको बताएं कि राजधानी लखनऊ में तमाम निर्देश पालन किए गए थे, जिसमें कुत्तों के वैक्सीनेशन से हो या 7-1 इंजेक्शन जो होता है वो कुत्तों की लगाने की बात हो, चाहे बात करें तो नगर निगम की तरफ से एक आदेश जारी करते हुए कहा गया था कि राजधानी लखनऊ में कोई भी कुत्ता
मास्क के बगैर नहीं टहलेगा। तो मगर आप सड़कों पर आमतौर पर देखती हैं कि कोई भी जो जो कुत्तों का स्वामी होता है वो अपने कुत्ते की देखभाल ही नहीं करता है, जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ना ही मास्क में नजर आता है। मगर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस पर तंज कसते हुए, मोव पर निशाना साधते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर टारगेट किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बीते दिन अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी मोर को दाना खिलाते हुए नजर आए थे। उसी का तर्क देते हुए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सारस के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधते हुए नजर आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सारस के साथ साथ आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में एक अहम पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो महिलाओं के सम्मान को लेकर लगातार काम कर रहे व्यक्ति के द्वारा किताब लिखी गई, जिसका नाम है कुंती। और कुंती का अगर बात करें तो महाभारत में आप कुंती के अगर योगदान को देखें तो लेखक ने कहा कि कुंती को योगदान को कोई भी लेखक आज तक दर्शा नहीं पाया है, और ये पुस्तक कहीं ना कहीं कुंती के योगदान और बलिदान को याद दिलाती है। साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे पर भी बोलते हुए नजर आए कि जहां भी समाजवादी पार्टी, जिन प्रदेशों में समाजवादी पार्टी के चाहने वाले या सपा के वोटर हैं, वहां सपा अपने कैंडिडेट को उतारेगी। और साथ ही सारम उन्होंने कहा कि हम लगभग 50 सीटों पर लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि स्टूल वाले मुख्यमंत्री शांत क्यों बैठते हैं, वो शूद्र हैं। साथ ही अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ शूद्र को लेकर बयानबाजियों का दौर खत्म हुआ था, अब एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तत्काल के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला बोले हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही मुरादाबाद से सपा के लोकसभा सांसद एसटी हसन ने पाक महीने रमजान को लेकर एक मांग रखी है। मांग में उन्होंने कहा कि आज अगर नवरात्र पर छुट्टी है तो कल रमजान पर भी अवकाश होना चाहिए, जिससे मुसलमान को भी लगे कि सरकार उनके भी है और मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। आपको बता दें कि सांसद ने मुसलमानों के पक्ष को रखते हुए लोकसभा में ये मांग रखी है। वह एसटी हसन ने संसद के अवकाश पर कहा, सिर्फ एक धर्म को खुश करने की नीयत से यह फैसला लिया गया है, ऐसा करना ठीक नहीं है। ये सरकार सिर्फ धार्मिक भावनाओं पर खेलती है और ऐसे ही सियासत कर वोट को बटोरती है। सांसद एसटी हसन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और नवरात्र पर पाठ और रामायण पर कहा कि रमजान के लिए भी कुछ हो, सिर्फ एक धर्म के लिए ना किया जाए। तो संसद के दोनों सदनों की आज छुट्टी है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। तो छुट्टी पर हिंदू मुसलमान की सियासत अब एक बार फिर से देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, संसद के दोनों सदनों की छुट्टी की गई है, ऐसे में एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति है उस पर जो नेता है अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्र का पावन त्यौहार जो है आज से शुरू होने वाला, आज पहला दिन है और 9 दिनों तक इस दिन माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। ये चैत्र की नवरात्रि है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार रामचरितमानस कराने का बात कही नवरात्रि के समय में, रामनवमी के समय में, और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कराने की बात कही, उसके बाद से लगातार जो है इस पे लोगों के बोल जो है वो बिगड़ते चले जा रहे थे। लोगों ने ये भी तक कहा कि जो 1-1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं इसको और भी रकम बढ़ाई जाए, और देखने वाली बात होगी कि जब रमजान होगा, रोजा होगा, उस समय सरकार क्या व्यवस्था करती है। तमाम तरह की चीज़ें इस तरह की देखी गई, तो इस पर लगातार जो है ये कुछ लोग जो है इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एंगल देने की भी कोशिश कर रहे हैं। जी, लेकिन अगर विवेक देखा जाए तो नवरात्र शुरू होने से पहले ही तमाम तरीके की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन जब रमजान शुरू हुआ तो इसके लिए सरकार की तरफ से कोई खास तैयारी नहीं देखने को मिली। देखिए, इसके पहले भी इस प्रदेश ने देखा है किस प्रकार से मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी देते थे, सपा की सरकार थी अखिलेश यादव, और बकायदा इफ्तार पार्टी देते थे, लोगों को बुलाते थे, एक सम्मेलन होता था, लोग आते थे, तो तमाम तरह की चीजें देखी गई है ये सरकार। लेकिन विवेक, भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने क्या किया? नवरात्र के आज से शुरुआत है, उन्होंने कहा रामचरितमानस का पाठ होगा, जुलूस निकाले जाएंगे। आप तो ये सपा का बता रहे हैं, लेकिन भाजपा ने इस बार रमजान के लिए क्या किया बैठकों के अलावा?
देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो रामचरितमानस की बात है, रामनवमी को लेकर और दुर्गा सप्तशती की बात है, ये जो है प्रसारित करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है। आने वाले समय में रमजान होने वाले हैं, तो तमाम तरह की चीजें अभी भी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बता सकती है। अभी तक फिलहाल इस तरह की घोषणा जैसे रामचरितमानस को लेकर, दुर्गा सप्तशती की पाठ को लेकर की गई थी, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अक्सर जो है जो बड़े नेता जो हैं वो अपने संगठन में जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, इफ्तार रखते हैं, तमाम प्रकार की चीजें रहती है, और कई पार्टी मिलके एक जगह जो है इफ्तार भी अपना इफ्तार भी खोलते हैं, रोजा भी खोलते हैं। बिल्कुल धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रखी है मांग कि अगर नवरात्र के पहले दिन छुट्टी होती है तो रमजान के पाक महीने की जब शुरुआत होती है तो उस पर भी छुट्टी होनी चाहिए। वही अब छुट्टी पर कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान की सियासत पर एक बार फिर से सियासी पारा जो है वो हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ में बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। शासन ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण करते हुए आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही शासन ने 2021 में जनवरी महीने में 52,000 पदों की भर्ती निकाली थी। उस समय EWS आरक्षण का प्रावधान नहीं था, वही चयन समिति भी केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार नहीं बनी। इसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंच गया और भर्ती फंस गई। इसको लेकर विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने नया शासन आदेश जारी किया है। इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए SC ST OBC दिव्यांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के साथ EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। वहीं अब EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को भर्ती में 10% आरक्षण मिल सकेगा। इससे 2 साल से अटकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता आखिर अब साफ हो गया है। तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिलेगा और आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया का अब रास्ता भी साफ हो गया है। तो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया का रास्ता भी अब साफ हो चुका है और 52,000 पदों की भर्ती जल्द होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो चुका है और 52,000 लोगों को यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति दी जाएगी, तो ये नियुक्ति कब तक दी जाएगी और इससे आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनका क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई है भर्ती को लेकर? देखिए मुस्कान, सबसे पहली बात आपको बता दें कि 2021 में 52,000 रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक रिक्तियां निकाली गई थी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी के लिए ये भर्तियां निकाली गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आरक्षण का छूट ना मिलने की वजह से ये मामला कोर्ट में चला गया था। कोर्ट में जाने के बाद करीब ये 2 साल तक मामला ऐसे ही पड़ा रहा। अब नवरात्र के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए यानी जो अभ्यर्थी होंगे जिनको अपनी नौकरी के लिए इसमें आवेदन करना होगा उन्हें 10% तक का आरक्षण देने की बात कही जा रही है। यानी 52,000 जो रिक्त पदे हैं उन पदों में जो आरक्षण होगा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, OBC और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अलावा साथ साथ में जो गरीब होंगे, जिनकी अल्प आयु होगी बिल्कुल, जिनके पास पैसे की आमदनी कम होगी, EWS में आते होंगे श्रेणी में, उनको 10% तक का उनको छूट दिया जाएगा। यानी आरक्षण जो होगा वो 10% तक होगा। अच्छा रितेश, अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव है और आगामी कुछ दिनों में जो नगर निगम के जो निकाय चुनाव है वो भी चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार अब भर्तियां ला रही है, नई भर्तियां निकाल रही है, भर्तियों पे अब रास्ता साफ हो रहा है, आखिर चुनाव के पहले ही ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं? क्योंकि लगातार 4 सालों में तो हमने देखा कि जो रोजगार के लिए लोग परेशान हैं, युवा कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो रहा है, ऐसे में चुनाव के 1 साल पहले में ऐसा क्या हो जाता है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है वो फिर से शुरू हो जाती है? जी बिल्कुल सही बात आपने कहा मुस्कान, कि चुनाव जब आने वाला होता है तो कहीं ना कहीं जो राजनेता होते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, वो भर्तियां निकालती हैं और चीजें निकालती हैं, लुभावनी चीजें देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव हो रहा है और उसके सहारे यदि किसी का लाभ हो रहा है तो अच्छी बात है। चुनाव के सहारे ही अगर किसी को नौकरी मिल रही है
तो वो अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तम बनाने के लिए लगे हुए हैं। जगह जगह कर कारखाने भी लगाए जा रहे हैं और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को एक नया ऊर्जामान ये प्रदेश स्थापित होगा। अब अगर आंगनबाड़ी की बात की जाए, विगत वर्षों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बहुत बड़े बड़े धरने किए हैं अपने वेतन वृद्धि को लेकर के। फिलहाल अभी ये जो 52,000 पदे हैं, इन पदों को मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये पद खाली हुए हैं, क्योंकि जो कहीं ना कहीं 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे अभी तक जो कार्यकर्त्री इसमें थी या सहायिका थे या मिनी आंगनबाड़ी, तो उनकी रिक्त पदों की ये सूची बनी हुई थी जिसमें 52,000 पद खाली थे। अब उनकी प्रक्रिया की जा रही है और जो 10% जो आरक्षण होगा वो आरक्षण का लाभ मिलेगा, ईडब्ल्यूएस का लाभ 10% पहले मिलने वाला। रितेश, आपने बताया कि 52,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी, ये नियुक्तियां कब तक कर ली जाएंगी? देखिए, शासन से शासन आदेश जारी हो गया है, जल्द ही इस पर कवायद भी की जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी भी मिल चुकी है, अब आवेदन करना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके आवेदन के लिए 21 साल से 35 साल तक का आयु होना भी जरूरी है, और जो इसमें शिक्षा की बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं 10वीं का पास होना, किसी भी बोर्ड से 10वीं पास अगर उत्तीर्ण है तो इसमें अभ्यर्थी अपना आवेदन कर सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए प्राइम टीवी।